दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल पे कैसे एक वीडियोस एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका एक गेमिंग चैनल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी गेमिंग वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर आप मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा जहाँ पर वो लोग डायरेक्ट वीडियोज़ को अपलोड कर देते हैं जिनके कारण उनका वीडियोज़ थोड़ा सा सही तो नहीं लगता, पर अगर वही आप एडिट करके अगर वीडियोज़ को अपलोड करोगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका वीडियोज़ और भी लोगों तक जाएगा। अगर आपका वीडियोस अच्छा होगा तो लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और इस वीडियो में कोई ज़्यादा फालतू भी बातें नहीं करने वाला हूँ, सच में यार यहाँ पे मैं मजाक भी नहीं करूँगा, तो बस आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज, आपका स्वागत है मेरे चैनल IT परवेज पे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारे फ्यूचर फ्री में दिखने को मिलेंगे। काइनमास्टर एक प्रीमियम एप्लीकेशन है और मेरे लिंक से करोगे तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैं अब मोबाइल के स्क्रीन पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे एडिट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है अपने फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पे वीडियो को ऐड कैसे करना है उसको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है आपको। आपको जो पहला ऑप्शन मिला 16:9 का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मीडिया का, आपको इस मीडिया पे क्लिक करना है। और आपके गैलरी में जितनी भी फोटो इमेज वीडियो होंगी वो सारे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको वही वीडियो को ऐड करना जो आप एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गेमिंग का वीडियो को रिकॉर्ड किया था पबजी खेलते समय, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ क्योंकि आज इस वीडियो में मैं गेमिंग के ऊपर भी बताने वाला हूँ कि इसको एडिट कैसे करेंगे। उसके बाद आपको इस टिक पे क्लिक कर देना है। अब आपको एकदम शुरू में आ जाना जहाँ से आपने मैच खेलना स्टार्ट किया था। कि देखिए पबजी खेलते समय कई जगहों पर गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण लोगों को अच्छा नहीं लगता देखने में और आपकी मैच की बुराई हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आगे आना है। अब यहाँ पे से आपकी मैच स्टार्ट हुई है तो यहाँ से मैं करता क्या हूँ कि इसको कट कर देना। तो आपको कट कैसे करना है पहले वो देखिए। आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सीजर का, आपको इस सीजर पर क्लिक करना है। अगर आप लेफ्ट साइड में काटना चाहते हैं तो आपको पहला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर राइट साइड काटना चाहते हैं दाएँ तरफ तो आपको दूसरा ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले अहेड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड का कट जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को चलाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक तो वीडियो देखने में तो ठीक लग रहा है और लोग तो आपकी पूरी इसी वीडियो तो देखेंगे नहीं, तो आपको यहाँ तक कुछ देर चलाना है। और उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको सीजर पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको स्प्लिट प्ले अहेड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों यहाँ तक तो आपने दिखा दिया कि अब मैच शुरू हो रही है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जब आप जहाज़ पे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे उतरेंगे उसके बाद यहाँ तक आपको रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद इस सीजर पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको स्टिक पर क्लिक कर देना है। तो आपको तो कट करने समझ में आ गया कि इसको कट कैसे करना है। अब यहाँ पे बताते हैं कि वीडियो का स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है और इसको आपको स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1.5 तक ले जाना। आपको ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको इस टिक पे क्लिक कर देना और यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हो थोड़ा तो ठीक लग रहा है, पर आप अपने से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे देना है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आपने स्प्लिट अहेड करके वीडियो को अलग किया तो यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का बीच में आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद सबसे नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लासिक ट्रांजिशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रॉस फेड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए क्रॉस फेड को मिलाने के लिए आप एक पे रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको इस टिक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं चला कर दिखा देता हूँ। चला दिया मैंने और यहाँ पे देखो फेड काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और कुछ लोग होते हैं क्या कि इसमें अजीब तरह का ट्रांजिशन लगा देते हैं जिसके कारण मज़ा नहीं आता है देखने में, तो आप क्रॉस फेड यूज़ करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप करना क्या है कि कभी कभी आप बंदे को किल करते हैं तो वहाँ पर का वीडियोज़ दिखाना है और बाकी फालतू की वीडियोज़ को काट देना। अब जैसे यहाँ पर मैं लूट रहा हूँ तो यहाँ का मैं वीडियोज़ को हटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना है कि जहाँ जहाँ पर आपने लूटा है वहाँ पर का वीडियोज़ को थोड़ा थोड़ा दिखा देना है। उसके बाद आपको स्प्लिट प्ले अहेड पे क्लिक कर देना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसमें आपको कम ही रखना है। इस वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लासिक ट्रांजिशन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रॉस फेड पर क्लिक कर देना है। अब क्रॉस फेड को कुछ इस तरह से एक पे मिला लेना है, उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पर का मैं ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने काट लिया है जहाँ पे मैंने बंदे को किल किया। अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा देखने में लग रहा है।
तो अभी जैसा कि देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे बंदा आया किल करने के लिए, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं काफ़ी तक कमाल का लग रहा है। और इसी तरह से आपको स्प्लिट पहले हेड पे क्लिक करना है और ट्रांजिशन को लगाना है। अब यहाँ पे कुछ लोग करते क्या है कि बीच बीच में कोई कॉमेडी वीडियोस लगा देते हैं, जैसे साइड से प्रेस रावल का या फिर किसी भी कॉमेडी की बात कर लो, वो बीच में लगा देते हैं। आपको गलती नहीं करना है, इससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलेगा, इससे आपके चैनल पर खतरा बना रहता है। तो आप कभी भी किसी का क्लिप यूज़ ना करें। यहाँ पर आप अपने से कॉमेडी कर सकते हैं वॉइस ओवर करके या फिर गेम खेलते वक्त, तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मेन बात आता है कि कुछ लोग बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाते हैं, तो म्यूज़िक लगाने के लिए आपको करना है कि किस ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो म्यूज़िक चाहे आप लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा है, म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा है। तो इसको मैं आपको करना है कि किस पे क्लिक करना है और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसको आपको टिक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो लग चुका है, अभी जैसा कि देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा कमाल का भी हो चुका है। अगर आप इस तरह से एडिट करोगे तो आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा, क्योंकि गेमिंग वीडियो में ज़्यादा एडिट करोगे तो आपका वीडियोस ख़राब हो जाता है, देखने में मज़ा नहीं आता है। और आपका ट्रांजिशन जो मैंने बताया उसी को यूज़ करना तो आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगेगा। दोस्तों वीडियो तो इस तरह से आप बना लोगे, पर यहाँ पर बात आएगी सेव करने के लिए, तो उसको कैसे करना है। देखिए आपको ऊपर में राइट साइड की ओर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जो एग्जिट का बटन दिख रहा है, आपको इस एग्जिट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो वीडियोस बनाया है आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर का, आपको शेयर पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेव वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे चाहे तो आप अपने बिटरेट को कुछ कम या घटा सकते हैं, जितना पे आप रखना चाहें उतना पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी में डिफरेंस नहीं मिलेगी, जो आपका वीडियो में क्वालिटी है वही आपको क्वालिटी यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे सिंपली से आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियोस को कैसे एडिट किया जाता है लाइक ए प्रो। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।